हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द ओजोन। तो जो हमारी अपर स्ट्रेटोस्फीयर है, इट कंसिस्ट ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द ओजोन, एंड दिस ओजोन, एज यू नो, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस अबाउट वेवलेंथ ऑफ 255 नैनोमीटर दैट आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि जो ये यूवी रेज होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द स्किन कैंसर दैट इज द मेलानोमा इन द ह्यूमंस। तो ओजोन की जो लेयर है वो एज अ शील्ड काम करती है एंड इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ओजोन जो है उसकी फॉर्मेशन होती है और कैसे उसकी डिप्लीशन होती है। सो व्हेन द प्लांट्स, जो आपके प्लांट्स होते हैं, जब ये ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और खुद CO2 को कंज्यूम करते हैं। तो जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, वहां पे क्या होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन है, इट इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू ओजोन। तो ये पार्शियली ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। सो अब अगर हमारी जो हाइट है वो 25-30 किलोमीटर की जो हाइट होगी, तो वहां पे हमारी एक लेयर प्रेजेंट होगी और उस लेयर को हम क्या कहेंगे, ओजोन लेयर। दिस इज कॉल्ड द ओजोन लेयर एंड दिस रीजन इज देयरफॉर कॉल्ड द ओजोनोस्फीयर। इसको ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये यूवी रेडिएशन को सन की जो यूवी रेडिएशन होती है उसको अर्थ पे नहीं आने देती। अब जो फॉर्मेशन होती है ओजोन की इन द स्ट्रेटोस्फीयर, इट अकर्स इन द टू स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो यूवी रेडिएशन होती है, यूवी रेडिएशन कहाँ से आती है, ये इट कम्स फ्रॉम द सन। और इसके पास क्या होती है कि काफी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये हमारी जो O2 है उसको ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक कर देती है। तो ये सनलाइट के अंदर इतनी एनर्जी है कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन एटम्स में यहाँ पे स्प्लिट कर देगी। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपके जो ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, दीज ऑक्सीजन एटम्स ये क्या करेंगे, दे विल रिएक्ट विद मोर O2 एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन। तो ये O2 के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दिस विल गिव यू ओजोन। अब ये जो ओजोन फॉर्म हुई है ये क्या करेगी, दिस विल एब्सॉर्ब द यूवी रेडिएशन एंड इट इज अगेन ब्रोकन डाउन इनटू द ऑक्सीजन प्लस ओजोन एटम एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज आल्सो गिवन आउट एंड दिस हीट इट लीड्स टू द वार्मिंग ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे पहले क्या हुआ, यूवी रेडिएशन आई सन से, इतनी ज्यादा एनर्जी की थी कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन एटम में तोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, ये O2 के साथ रिएक्ट करेंगे और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ रिएक्ट करेंगे और ओजोन बनाएंगे। अब ये जो ओजोन है ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में ब्रेक होगी और साथ में हीट रिलीज होगी। ये हीट जो रिलीज हुई है ये स्ट्रेटोस्फीयर को फिर फर्दर वार्म करेगी। तो इस तरीके से ये हमारी होती है कंप्लीट ओजोन साइकिल एंड दिस ओजोन साइकिल इट अकर्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। एंड एज दीज रिएक्शंस दे ऑल आर अकरिंग, दे ऑल आर इनिशिएटेड बाय द रेडिएशंस, तो इसलिए इनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। These are called the photochemical reactions as all of these are initiated by the radiations. That's why these are called the photochemical reactions. तो इस तरीके से हमारी ओजोन की जो फॉर्मेशन है वो होती है। Now comes the depletion of the ozone layer. अब फॉर्म हो रही है और हमें पता है कि ओजोन क्या है, डे बाई डे हमारी जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है। सो नाउ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज two types of compounds they are found main responsible for the depletion of the ozone layer and they also lead to the hole in the ozone layer.
तो सबसे पहला जो हमारा ये कंपाउंड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज द NO. तो ये क्या होती है इट मे बी प्रोड्यूस्ड एट द ग्राउंड लेवल एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी और इट कैन प्रोड्यूस बाय द नेचुरल सोर्सेस Can produce by the natural sources also, or it is produced by the exhaust gases, and it is introduced directly into the stratosphere. अब ये NO क्या करेगी? This NO it will react with ozone, and this will reduce the amount of ozone, and this leads to the formation of NO2, and this NO2 it is going to react with the oxygen. Atoms that are available in the atmosphere and that are produced due to the decomposition of the ozone and oxygen and this produces the NO. So is tarike se NO jo hai O3 ke sath react karti hai to form NO2 and this NO2 it reacts with the oxygen so as to form the NO and oxygen sath mein form hogi. तो इस तरीके से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है आपकी फॉर्म होती है नेक्स्ट इज द CFCs दैट आर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर तो यहाँ पे हमारे जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं इनके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होती है इनके अंदर फ्लोरीन होती है इनके अंदर कार्बन होती है एंड दीज आर नोन एज द फ्रियोन्स तो ये आपके एयर में कैसे आते हैं They come from the aerosol sprays. They come from the refrigerating जो equipments होते हैं आपके वहां से CFCs हमारी introduce होती है atmosphere में यहाँ पे ये as a coolant का काम करते हैं They are also used as the solvents. These are chemically unreactive, non-toxic and odorless. पर दे हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ टाइम इनका जो लाइफ टाइम है वो बहुत ही ज्यादा है एंड काफी टाइम तक ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं एंड दे स्टार्ट डीकंपोजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रेडिएशन तो इनकी जो डीकंपोजिशन है वो किसकी प्रेजेंस में होने लगती है इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रेडिएशन तो इनका मैकेनिज्म क्या है इन द स्ट्रेटोस्फेयर दे विल अंडरगो द फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन तो ये जब डीकम्पोज करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका फ्री रेडिकल्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आपके फॉर्म होंगे तो ये आपके यहाँ पे फ्री रेडिकल्स जो है वो फॉर्म हो गए सो द रिएक्टिव क्लोरीन अब यहाँ पे जो ये क्लोरीन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ है इट इज वेरी रिएक्टिव ये क्या करेगी This will destroy the ozone layer and because during this process क्या होगा अभी हम यहाँ पे देखते हैं जैसे ये chlorine radical ozone के साथ react करी Cl radical plus O2 अब ये Cl radical क्या करेगा फिर से oxygen atom के साथ react करेगा so as to give the Cl radical plus O2 अब ये जो Cl radical है ये यहाँ पे फिर से produce हो गया एंड ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव होता है बहुत ज्यादा मतलब हार्म करता है हमारी ओजोन को सो जो एक मॉलिक्यूल होगा हमारे CFCs का वो ऑलमोस्ट क्या करेगा कि 1000 O3 मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट कर सकता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है तो नाउ बिकॉज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन क्या हो रहा है कि वहां पे ओजोन होल जो है वो क्रिएट हो गया है तो इसके बारे में आप सबको पता ही है कि आजकल ये करंट टॉपिक है ओजोन होल जो है वो बढ़ता जा रहा है एंड सिमिलर होल इट वाज फाउंड ओवर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आल्सो एंड इसलिए अब क्योंकि CFCs की वजह से ओजोन जो है हमारी वो डिप्लीट हो रही है तो इनके यूज को बैन किया जा रहा है तो इसलिए ओजोन को हम मतलब प्रिवेंट करने के लिए हमें इन्हें बैन करना पड़ रहा है तो ये हमारा इस तरीके से मैकेनिज्म है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे हमारी जो CFCs हैं वो ओजोन की लेयर को डिप्लीट करते हैं तो मेन जो यहाँ पे कल्प्रिट है दैट इज द Cl रेडिकल
जो ओजोन को ज्यादा इफेक्ट करता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स फॉर्मेशन. थैंक यू.